स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में एक बार फिर। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दी थी, जम्मू के कई अलग अलग जगहों पर जो रेड का प्रोग्राम है वो चल रहा है, रेड्स जो हैं वो हो रही हैं, जम्मू में भी हो रही हैं, कश्मीर में भी कई कई जगहों पर रेड्स जो है वो हुई थी। हमने आपको कल भी इस मामले से जुड़ी जानकारी दी थी। इस समय में अगर आपको बताऊँ तो जम्मू में भी अलग अलग जगहों पर रेड चल रही है, चाहे वो गुज्जर नगर का इलाका हो, सैनिक कॉलोनी हो या ग्रेटर कैलाश हो, इस तरह के कई इलाकों पर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी और पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी जो रेड्स हैं वो चल रही हैं। तो इस समय मैं जिस घर में खड़ा हूँ, इन घर के बाहर खड़ा हूँ, और बशीर अहमद जो कि तहसीलदार हैं, इनके घर पर भी आज सुबह रेड पड़ी है। मेरे पीछे ये जो घर है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि रेड जो है सुबह के समय पड़ी थी, और यहाँ पर लगातार जो है जम्मू के अलग अलग जगहों पर लैंड ग्रैबिंग के इशू को लेकर और काफ़ी सारे इसमें जो लोग हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, और कई लोग यहाँ पर जो है इसके पीछे ज़िम्मेदार रहते हैं, लैंड ग्रैबर्स भी होते हैं। तो इस तरह से जो रेड का कार्यक्रम है वो चल रहा है, और यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। अभी इनका पुलिस अधिकारियों से हमारी जो है ऑफलाइन बात हुई, तो इनका ये कहना है कि जो रेड है वो सुबह चल रही थी और अभी भी जो रेड का काम है वो चल रहा है, अंदर पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, और अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है कि रेड में कुछ मिला है या नहीं। लेकिन इस समय हम बशीर अहमद तहसीलदार के घर के बाहर खड़े हैं, और जानीपुर इलाका ये है, और यहाँ पर जो रेड चल रही है इस घर के अंदर चल रही है, पुलिस भी अभी भी वहाँ पर मौजूद है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कई ऑफिसर जो हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, वो भी यहाँ पर रेड में जो है शामिल हुए हैं। और लगातार आपको बता दें तो कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो की जा रही है प्रशासन की तरफ से, पकड़ा जा रहा है उन लोगों को जो कहीं ना कहीं लैंड इशू से रिलेटेड जो कई बड़ी एक समस्या बनी हुई है, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आतंकवाद भी चरम सीमा पर है, और कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को साफ किया जाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो ये इशू है वो चल रहा है। रेड का जो मुद्दा है वो इस समय काफ़ी गर्माया हुआ है, क्योंकि 4-5 दिनों से जो रेड का मुद्दा है वो चल रहा है। तो यहाँ पर बशीर अहमद तहसीलदार के घर के बाहर हम खड़े हैं, और यहाँ पर अंदर जो है वो पूछताछ चल रही है, जानकारी अभी हमारे पास सामने नहीं आई है कि क्या कुछ और इस रेड में निकल कर आया है। बहरहाल कश्मीर के भी अलग अलग जगहों पर, चाहे वो शोपियाँ हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, सुपोरा हो, कई इलाकों पर जो है रेड चल रही है, और राजस्थान के भी जोधपुर इलाके में रेड जो है NIA की तरफ से चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जम्मू की इस बात करें तो लैंड मुद्दे से रिलेटेड जो है वो इशू है। मैं एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि घर की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जाएँ कि यहाँ पर किस तरह से रेड का जो है काम चल रहा है, इस घर में चल रहा है, मेन रोड पर ये घर है, और बशीर अहमद जो हैं उनके घर पर ये रेड चल रही है, और वो तहसीलदार रहे हैं, और काफ़ी समय से जो रेड का प्रोग्राम है वो चल रहा है, और बिना किसी के बताए छापेमारी जो है वो की जा रही है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी अपडेट, आप बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ, देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए, राज्य की तमाम बड़ी खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।